देखिए दोस्तों, ले लिया है ये छोटा वाला। अभी प्याज आ रहा है, बहुत अच्छा प्याज है। और इसी टाइम बनाते हैं हम जो प्याज, छिलका वाला प्याज होता है वो। मैंने 1 किलो प्याज ले लिया है यहाँ, तो मैं इसका छिलका उतार लूँगी। और इस तरीके से आप बड़ा प्याज भी ले सकते हैं जो मैं बना रही हूँ उस तरीके से। मुझे ये छोटा ही पसंद आया। और यहाँ ले लिया है मैंने अदरक के टुकड़े, हरी मिर्ची और ये 2 चुकंदर ले लिए हैं मैंने। देखिएगा, इनको भी साफ करके और धुल के इनको भी साफ करके मैं रख लूँगी। कुछ मैंने इसमें सजी प्याज रखी हैं बीच से चीरा लगा के। तो देखिएगा दोस्तों, ये अलग तरीके से बना रही हूँ। और ये इसके ऊपर का भाग निकाल दें इस तरीके से, और ना मोटा रखें ना पतला। तो इस तरीके से कट कर लेंगे हम, लच्छे निकाल लेंगे इनके। और इस तरीके से ही ये निकाल दें। और ये चुकंदर मैंने छील के पानी में डाल दिया है। और अदरक के इस तरीके से स्लाइस काट लें। और ये भी ज़्यादा मोटा ना रखें, पिकल में ही डालना है, ये गल जाए, नहीं तो कच्चा कच्चा रहता है। तो दोस्तों देखिएगा, मैंने उसके छल्ले उतार दिए हैं। लच्छे उतारने के बाद में यहाँ मैं ले लूँगी ये छिलका है वाइट वाला, वाइट विनीगर भी कहते हैं। आपके पास एप्पल विनीगर हो तो वो भी ले सकते हैं इसमें, तो आप वो ले लें। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने यहाँ ये जो है वाइट विनीगर है वो मैंने ले लिया है 2 कप। तो आप भी इसी, आप कितने का बना रहे हैं? मैंने 1 किलो के लिए 2 कप लिया है। तो आप अगर ज़्यादा ले रहे हैं प्याज तो आप ज़्यादा छिलका डाल सकते हैं। देखिएगा, ये मैंने 2 कप डाल दिया है। और अब मैं डाल दूंगी इसमें पानी, पानी डाल दूंगी ये। तो मैं इसमें डालूंगी 4 साढ़े 4 कप पानी डाल दूंगी मैं इसमें। 2 कप विनीगर में 4.5 कप पानी डाल दें, तभी बैलेंस होगा, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और वो सही भी नहीं रहेगा। तो प्याज के लच्छे जरूर उतार ले, जो मैंने कट किया है उस तरीके से लच्छे उतार लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ देखिएगा, एक चुकंदर को मैंने काट के रख लिया है, जो छील के रखा था वो चुकंदर मैंने काट के रख लिया है बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में। देखिएगा, यहाँ मैं डाल दूँगी नमक, स्वादानुसार नमक डाल दें जितना आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ नमक डाल दूंगी इसमें। और इसी तरीके से आप बनाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और सबसे पहले डालूंगी मैं चुकंदर इसके बेस पे। तो यहाँ देखिएगा, तुरंत पानी कलर चेंज कर लिया है। और यहाँ मैंने हरी मिर्ची के टुकड़े कर लिए हैं, अदरक का चिप्स बना लिया है, और कुछ प्याज मैंने यहाँ सजी रखी है, बीच से 4 चीरा लगा दिए हैं, वो मैं बेस पर डाल दूंगी। देखिएगा इस तरीके से हम डाल लेंगे। मिर्ची ऊपर ही तैर रही है। और फिर से हम चुकंदर डाल देंगे थोड़ा सा। देखिएगा, और अब हमने जो लच्छे बना के रखे हैं प्याज के वो डाल देंगे अब हम। दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना, नए तरीके से मैंने आपको ये छिलका वाला प्याज बता रही हूँ। तो देखिएगा, इसमें डालते हुए जाएंगे। और इसी तरीके से ये मैंने प्लास्टिक की बोतल आती है बड़ी वाली, आप कांच की बोतल ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये मेरे पास बोतल थी तो मैंने ये वाली ले ली है। देखिएगा, अपना कलर चेंज होता जा रहा है। और इसमें सारे के सारे ये जो लच्छे काटे हैं हमने वो भर लेंगे। और फिर से हम चुकंदर डाल देंगे। और हमने 2 चुकंदर लिए हैं इसलिए ही लिए हैं। और अब फिर से प्याज रख देंगे इसमें, तो ये देखिएगा आराम से आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ये लू चलती है तो ये छिलका वाला प्याज बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि अब गर्मियाँ बहुत हैं दोस्तों। तो इस तरीके का हम कुछ सैलेड वगैरह ले लेते हैं तो सही रहता है और पेट के लिए। तो देखिएगा, ये लास्ट में ये ऊपर से भर दिया है मैंने। और ये अभी बैठ जाएगा 2 मिनट में, 2 मिनट में वो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।
इस तरीके का देखिएगा बन गया है ये मेरा शिक्के। ये दोस्तों एक रात के लिए रख दिया था, तो ये देखिएगा इसका कलर कितना अच्छा आया है और ये कितने अच्छे से हो रहा है सेट। तो देखिएगा इसमें बबल्स आ रहे हैं और चुकंदर भी। दोस्तों इसको इसी तरीके से रख सकते हैं, आप बाहर रखेंगे तो बाहर ही रखें, अगर फ्रिज में रखना है तो आप फ्रिज में रखें, तो फ्रिज में रखने के बाद में आप बाहर नहीं रख सकते हैं इसको। तो वीडियो को फुल वॉच करें। जो भैया दीदी नया चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों जय माता दी।